वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। तो आज की इस वीडियो में हम जिस मेडिसिन पे बात करने वाले हैं उसका नाम है यास्मिन टैबलेट। देखिए, आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये काम कैसे करती है, वाकई ये असरदार है या फिर कोई और बात है, इन सारी चीजों का आज हम ये जो वीडियो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है नाम सुनते ही कि इसके कॉम्पोजिशन क्या होंगे, क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। देखिए, सबसे पहली बात कि ये एक हार्मोनल कॉम्पोजिशन पिल है। इसमें दो हार्मोन्स का कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होता है। सबसे पहला होता है ड्रोस्पाइरेनोन, तो ये पहला है, और दूसरा होता है एथिनाइल एस्ट्राडियोल। तो इन दोनों का कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होता है आपकी ये जो यास्मिन टैबलेट होती है उसके अंदर। सवाल है कि इनका काम क्या है, कैसे ये वर्क करती है, यानी मोड ऑफ एक्शन क्या है। चलिए मैं बता दूं कि कैसे ये काम करती है। तो सबसे पहली बात कि ये ओव्यूलेशन को, यानी जब एग रिलीज होता है ओवरी से, उसको बंद करने में, प्रिवेंट करने में मदद करती है। इसी के साथ साथ ये जो स्पर्म का यूनियन होता है एग के साथ, यानी कि फर्टिलाइजेशन जिसको कहा जाता है, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन ये प्रिवेंट करता है, रिड्यूस करता है। इसी के साथ साथ जब आप प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, यूट्रस की लाइनिंग जो होती है प्रेगनेंसी के लिए, तो उसको कम बना देता है, यानी उसको अनसुटेबल बना देता है प्रेगनेंसी के लिए। ये तीनों मोड ऑफ एक्शन है इसके। इस तरीके से ये जो टैबलेट है ये वर्क करती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, किस लिए इसको यूज करना है। सबसे पहली बात कि ये एक बर्थ कंट्रोल पिल है, यानी कि ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में मदद करती है। इसी के साथ साथ ये हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थ्योरी जो होती है HRT, उसमें भी इस्तेमाल की जाने वाली एक टैबलेट है। इसी के साथ कि ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को भी कम करने में मदद करती है, यानी अगर जो पीरियड्स होते हैं अगर वो टाइम टू टाइम नहीं आ रहे हैं, इसी के साथ अगर बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्टनेस हो रही है उस टाइम पर, तब भी ये सारी चीजें हेल्प करती हैं, ये टैबलेट हेल्प करती हैं इस चीज को कम करने में। इसी के साथ इरिटेबिलिटी एंड पीरियड पेन, तो ये सारी चीजें हैं जिनके लिए हम यूज करते हैं ये यास्मिन टैबलेट। सवाल है कि इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहली बात कि जो डॉक्टर कहेंगे आपको सिर्फ उसी को फॉलो करना है। जितनी डॉक्टर कहेंगे, जब उनका टाइमिंग होगा, जब वो टाइम बताएंगे, तभी ये मेडिसिन आपको इनटेक करनी है। स्वेलो इट एज होल, यानी कि एज इट इज इस मेडिसिन को निगल लेना है, ना ही इसको चबाना है, ना ही इसको तोड़ना है, और ना ही इसको ब्रेक करना है। इसी के साथ साथ कि जो यास्मिन टैबलेट होती है, इट मे बी टेकन विद और विदाउट फूड, यानी कि आप इसको खाने के साथ भी ले सकते हैं, साथ ही साथ खाने के थोड़े टाइम बाद भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो पहली बात कि आप खाली पेट इस मेडिसिन को ना खाएं, और इसी के साथ कि जो आपकी टाइमिंग सेट है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको ये दवाई सुबह 8 बजे खानी है, तो अगले दिन भी 8 बजे ही खानी होगी अगर बेटर रिजल्ट चाहिए तो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। क्या होंगे वो साइड इफेक्ट। सबसे पहला नोजिया, यानी उल्टी जैसा लगना, अगर वॉमिट जैसा लग रहा है, दैट इज नोजिया। ये भी इसके सिम्टम हो सकता है। स्टमक पेन, पेट दर्द, इसी के साथ साथ सर का दर्द हो सकता है, थोड़ा बहुत वेट गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ब्रेस्ट पेन भी हो सकता है इसकी वजह से। और इसी के साथ साथ जो यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स ब्लीडिंग होती है उस टाइम पर, उसमें थोड़ी बहुत चीजें इरिटेबिलिटी हो सकती है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं इस टैबलेट के। लेकिन ये सब जो सारे साइड इफेक्ट्स हैं, ये कुछ दिन बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये सीवियर होते जा रहे हैं, इनसे आपको दिक्कत होती जा रही है, तो जल्दी जल्दी आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन अंदर बन रहा हो। चलिए अब बात करते हैं कुछ सेफ्टी इंफॉर्मेशन की जो आपको ध्यान में रखनी है बिफोर यूज दिस टैबलेट। सबसे पहली बात कि जो लेबल होता है उसको अच्छे से पढ़िएगा, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसको ध्यान में रखकर तभी ये मेडिसिन खाइएगा। नेक्स्ट आते हैं कि ये जो मेडिसिन होती है इसको कूल एंड ड्राई प्लेस पे स्टोर करना है, डायरेक्ट सनलाइट जो होती है उससे इसको बचाना है, ताकि कोई भी रिएक्शन वहां पर ना हो पाए। इसी के साथ साथ बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, और जितना डॉक्टर कहेंगे सिर्फ उतनी ही आपको
अमाउंट इसका इंटेक करना है उससे एक्सीड नहीं होना, उससे ज्यादा नहीं खाना, क्योंकि हो सकता है कि काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिल जाएं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिएगा फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ। थैंक यू।